नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शाना परवीन। आइए चलिए देश दुनिया की 25 बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराते हैं। खबरों के दौरान हम आपसे एक सवाल पूछेंगे, जिसका सही जवाब देने वाले को जनता की आवाज न्यूज चैनल की तरफ से एक गिफ्ट हैम्पर मिलेगा। लेकिन उससे पहले आइए जानते हैं आज का इतिहास। उनतीस जुलाई भारतीय हॉकी के स्वर्णिम युग की याद दिलाता है। एक जमाने में एशिया की परंपरागत हॉकी का दुनिया में डंका बजता था। भारतीय हॉकी टीम ने ओलंपिक खेलों में 1928 से 1956 के बीच 6 बार लगातार स्वर्ण पदक जीता। इसे भारतीय हॉकी का स्वर्णिम युग कहा जाता था। भारत की टीम ने 29 जुलाई 1980 को मॉस्को ओलंपिक खेलों में आखिरी बार हॉकी का स्वर्ण पदक जीता था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने बुधवार को राष्ट्रपत्नी कह दिया। अब इस बयान को लेकर बीजेपी हमलावर हो गई है। इस मामले पर महिला बीजेपी सांसदों ने सदन में हंगामा किया। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि सोनिया गांधी को माफी मांगनी होगी। लोकसभा और राज्यसभा में हुए हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही स्थगित की गई। सदन में भारी हंगामे के बाद राज्यसभा से विपक्ष के 3 और सांसदों को किया गया निलंबित। इनमें आम आदमी पार्टी के सांसद सुशील गुप्ता, संदीप पाठक और निर्दलीय अजीत कुमार शामिल हैं। अब तक लोकसभा और राज्यसभा के 27 सांसद निलंबित हो चुके हैं। इसमें 4 लोकसभा और 23 राज्यसभा के हैं। पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले में पार्थ चटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी ने कई अहम खुलासे किए। ईडी के सूत्रों ने बताया कि अर्पिता मुखर्जी ने पूछताछ के दौरान बताया कि उनके घर से जब्त किया गया सारा पैसा पश्चिम बंगाल के मंत्री पार्थ चटर्जी का है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख ट्रेड्रोस अदनोम ने कहा कि संक्रमण से बचाव का सबसे अच्छा तरीका है एक्सपोजर कम किया जाए। विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख ने सलाह दी है कि जिन पुरुषों को मंकी पॉक्स का जोखिम है वो फिलहाल यौन साथियों की संख्या सीमित रखने पर विचार करें। अमेरिका के केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व ने लगातार 3री बार ब्याज दरों में बढ़ोतरी की। महंगाई पर काबू पाने के मकसद से ये कदम उठाया गया है। अमेरिका में महंगाई 41 सालों के सबसे उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। दिल्ली वाराणसी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाने का काम जोरों पर है। इस रूट पर दिल्ली वाराणसी बुलेट ट्रेन दौड़ेगी। लगभग 3 घंटे 33 मिनट में ये ट्रेन दिल्ली से वाराणसी पहुंचेगी। दिल्ली वाराणसी बुलेट ट्रेन मथुरा, आगरा, इटावा, कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज होते हुए निकलेगी। दिल्ली से सटे गौतम बुद्ध नगर जिले में बुलेट ट्रेन के 2 स्टेशन होंगे। स्पाइसजेट की फ्लाइट्स में पिछले कई दिनों से दिक्कतें सामने आने के बाद DGCA का बड़ा फैसला। 8 हफ्ते के लिए स्पाइसजेट की सिर्फ 50% फ्लाइट को उड़ान भरने के आदेश। 18 दिनों के अंदर स्पाइसजेट के विमानों में 8 बार तकनीकी खराबी सामने आई है। पाकिस्तान ने 44वें चेस ओलंपियाड से हटने का फैसला लिया है। उसने ये फैसला कश्मीर में रिले टार्च के गुजरने के विरोध में कहा। चेन्नई में चेस ओलंपियाड शुरू हो रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी शतरंज के सबसे बड़े टूर्नामेंट का उद्घाटन किया। दिल्ली में निकले मंकी पॉक्स के संदिग्ध मरीज की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। इसके बाद LNJP अस्पताल में भर्ती इस मरीज को छुट्टी दे दी गई है। LNJP अस्पताल के डॉक्टर ने कहा कि गाजियाबाद की व्यक्ति की उम्र 30 साल है और उसे चिकन पॉक्स हुआ था। सीएम अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि देश आज़ादी के 75 साल का जश्न मना रहा है। 4 अगस्त को दिल्ली में हजारों बच्चे इकट्ठे होंगे और दुनिया का सबसे बड़ा तिरंगा बनाएंगे। रक्षाबंधन पर डाक विभाग ने बहनों को तोहफा दिया। गुरुग्राम के प्रधान डाकघर में अतिरिक्त काउंटर बनाया। यहां से 10 रुपए के शुल्क में पूरे भारत में कहीं भी राखी भेजी जाएगी। लिफाफा भी वाटरप्रूफ होगा। पंजाब सरकार आर्थिक प्रोत्साहन को पराली से फैलने वाले प्रदूषण पर बंदिश लगाने का कारगर फॉर्मूला मान रही है। इससे जुड़ा एक प्रस्ताव भी CAQM को भेजा गया है और इसमें पराली न जलाने वाले किसानों को प्रति एकड़ 2,500 रुपये का नकद प्रोत्साहन देने की बात कही। आई
आयकर विभाग की 20 से अधिक टीमों ने दिल्ली एनसीआर में मेट्रो समेत कई निजी अस्पतालों में छापे मारे। देर रात तक जारी कार्रवाई में जरूरी कागजात, मोबाइल फोन, लैपटॉप कब्जे में ले लिए गए हैं। अस्पताल मालिकों के आवास पर भी तलाशी की गई। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली परिवहन निगम के 7 बस डिपो में इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशनों की शुरुआत के मौके पर कहा कि लगातार ई वाहनों की संख्या बढ़ रही है, दिल्लीवासी अब ई वाहनों को बढ़ चढ़कर अपनाने लगे हैं, दिल्ली ईवी राजधानी बनने लगी है। 2 साल में दिल्ली में 2000 ई बसें सड़कों पर उतार दी जाएगी। दिल्ली के निगम वार्डों में परिसीमन के फॉर्मूले से शहरी क्षेत्रों को फायदा हो सकता है। एमसीडी के वार्ड की संख्या में कटौती का असर अनाधिकृत कॉलोनियों व ग्रामीण क्षेत्रों पर पड़ेगा। वार्ड की संख्या 272 से 250 करने से इन इलाकों में सीटों की संख्या कम हो सकती है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा राज्य में आयोजित होने वाली प्रारंभिक परीक्षा 2022 के लिए आवेदन की समय सीमा बढ़ा दी गई है। आयोग की ओर से आधिकारिक वेबसाइट पर इस भर्ती पात्रता परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया 27 जुलाई को बंद की जानी थी, लेकिन अब 31 जुलाई तक आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। वहीं उम्मीदवार 3 अगस्त तक आवेदन फॉर्म में संशोधन कर सकते हैं। साउथ इंडस्ट्री के लोकप्रिय अभिनेता आर माधवन, बॉलीवुड एक्टर अपार शक्ति खुराना, दर्शन कुमार और खुशहाली कुमार की नई फिल्म धोखा राउंड दी कॉर्नर की अनाउंसमेंट कर दी गई है। हाल ही में निर्माताओं ने फिल्म का टीजर जारी किया है जो सस्पेंस और ड्रामा से भरपूर है। एक्ट्रेस करीना कपूर और आमिर खान की जल्द ही फिल्म लाल सिंह चड्ढा बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होने वाली है। हालांकि खबर यह है कि ये दोनों सितारे करण जौहर के शो में एक साथ एंट्री करने वाले हैं। फ्लिपकार्ट और अमेजॉन दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की कस्टमाइज टी शर्ट पर डिप्रेशन का कोट लिखकर बेच रहा है, जिसको लेकर ट्विटर पर दोनों ही कंपनियों के लिए फैंस का गुस्सा फूट गया है। ट्विटर पर हैशटैग फ्लिपकार्ट बैन ट्रेंड कर रहा है। एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा की अपकमिंग फिल्म निकिता रॉय एंड द बुक ऑफ डार्कनेस का हाल ही में पोस्टर रिलीज हुआ। इस फिल्म के जरिए खुश सिन्हा भी अपना डायरेक्टोरियल डेब्यू करने वाले हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार में 29 और 30 जुलाई तक तेज बारिश के आसार। इसके अलावा मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर में 27 से 30 जुलाई, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में 26 से 30 जुलाई के बीच बारिश होने के आसार जताए। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 4 दिनों तक राजधानी लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश की अलग अलग हिस्सों में बारिश की संभावना जताई जा रही है। ग्लोबल मार्केट में पिछले अच्छे संकेतों से भारतीय शेयर बाजारों में शानदार तेजी। 976 अंक उछलकर 56,792 पर पहुंचा सेंसेक्स। निफ्टी भी 272 अंक की मजबूती के साथ 16,913 पर पहुंचा। सोने की कीमतों में इजाफा होने के बाद भी डिमांड में कोई कमी नजर नहीं आ रही। इस समय लोगों में गोल्ड खरीदने का उत्साह काफी ज्यादा बढ़ा हुआ है। जून तिमाही में गोल्ड की डिमांड में करीब 43% का इजाफा देखने को मिल रहा। इनकम टैक्स रिटर्न भरने की डेडलाइन में अब बमुश्किल 3 दिन बचे हैं। लोगों को उम्मीद है कि हर बार की तरह सरकार इस साल भी डेडलाइन को बढ़ाएगी। हालांकि सरकार ने साफ कह दिया है कि वो इस बार इनकम टैक्स रिटर्न भरने की अंतिम तारीख को आगे बढ़ाने पर विचार नहीं कर रही। भारत में लग्जरी कारों का बाजार तेजी से पैर पसार रहा। इसका ताजा सबूत है वॉल्वो की हाल ही में लॉन्च कार वॉल्वो XC40 रिचार्ज। कंपनी ने अपनी इस लग्जरी कार को इसी सप्ताह भारतीय बाजार में लॉन्च किया। इससे भारतीय ग्राहकों से मिले बम्पर रिस्पॉन्स का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि बिजनेस शुरू होने के महज 2 घंटों में ही साल 2022 के लिए इनकी सारी यूनिट बुक हो गई। हमारा आज का सवाल है, फेसबुक के संस्थापक कौन हैं? फिलहाल आज की 25 बड़ी खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज़। नमस्कार।